दिल्ली मेट्रो की पिंक और मैजेंटा लाइन पर मेट्रो का परिचालन पूरी तरह से स्वचालित होने लगा है। इन दोनों लाइन को चालक रहित ट्रेन परिचालन वाली तकनीक के लिहाजा से विकसित किया गया है। ये पहला मौका है कि जब मेट्रो का परिचालन पूरी तरह से स्वचालित किया जा रहा है। इन लाइन पर ट्रेन में चालक तो मौजूद रहते हैं, मगर वो कोई काम नहीं करते, सिर्फ निगरानी रखते हैं। मेट्रो का कहना है कि मई 2020 तक इन दोनों लाइनों पर मेट्रो के चालकों को हटाने का लक्ष्य है। डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक मंगू सिंह के मुताबिक मेजेंटा और पिंक लाइन पर मेट्रो का परिचालन सीबीटीसी तकनीक पर हो रहा है। इस तकनीक में नियंत्रण कक्ष में स्वचालित तरीके ट्रेन को रफ्तार देने और ब्रेक लगाने का काम करेंगे। मेट्रो के मुताबिक मेट्रो के स्वचालित परिचालन से फ्रीक्वेंसी में भी सुधार आएगा। अभी इन दोनों लाइन पर 5 मिनट के अंतराल पर ट्रेन मिलती है। आने वाले दिनों में मांग के अनुरूप प्रत्येक 90 सेकंड के अंतराल पर भी ट्रेन चल सकती है। इसके साथ मानवीय भूल के कारण होने वाली दुर्घटनाएं भी खत्म हो जाएंगी। मंगू सिंह के मुताबिक कई देशों में जहाँ पहले से ये तकनीक है, वहाँ अल्टरनेट ट्रेन से सहायक रखे जाते हैं। दूसरा, प्रत्येक स्टेशन पर भी एक सहायक होता है। ये सहायक ट्रेन चलाना भी जानते हैं। वह आपात स्थिति में अगर ट्रेन कहीं रुक जाए तो उसे चलाकर आगे निकाल देते हैं। लेकिन हमें यहाँ कैसे करना है, इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। मेट्रो का कहना है कि चालकों को निकाला नहीं जाएगा, चालकों का उपयोग मेट्रो की नई बन रही लाइनों पर किया जाएगा। साथ ही इन ट्रेनों में भी कुछ दिनों तक चालकों को देखरेख के लिए वैकल्पिक तौर पर रखा जाएगा। दिल्ली मेट्रो में चालकों के पद भी खाली होते रहते हैं, ऐसे में उन्हें पदों पर भी रखा जा सकता है।